नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, बीके रघुवंशा का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नए सेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो सेशन है आपके प्रश्न और उसके उत्तरों का। बहुत तरह तरह के प्रश्न आप उनसे पूछते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वो बीके आरोग्य में हमारे पास चल के नहीं आ पाते, लेकिन उनकी कुछ दिक्कतें होती हैं जिसके बारे में वो जानकारी या सलाह हमसे चाहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेष सेशन चालू किया है, जहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप हमसे कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह जानकारी चाहते हैं, और हम उसके आधार पर वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपको जानकारी मिल पाए घर बैठे। तो आज का क्वेश्चन है कि शरीर में सूजन या पैरों में सूजन, जो किडनी पेशेंट्स को खासतौर पर बार बार परेशान करती है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या घरेलू उपाय करने चाहिए और क्या प्रॉपर इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि शरीर में सूजन आखिर होती क्यों है। दोस्तों, जब किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं या ब्लॉक होते हैं और प्रॉपर ढंग से किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो व्यक्ति का कठिनाई बढ़ना शुरू होता है। उस दौरान वो कुछ मेडिसिन या कुछ और थेरेपी जो ट्रीटमेंट लेता है, जिसके साइड इफेक्ट से धीरे धीरे किडनी और खराब होती जाती है और धीरे धीरे बॉडी में यूरिन को प्रॉपर ढंग से मेंटेन होना, फिल्टर होना और शरीर से बाहर निकलना, ये प्रक्रिया बाधित होने लगती है और वो जो पानी है वो आपके शरीर में स्टोर होना शुरू होता है। ये सूजन के रूप में आपको दिखाई देता है। हो सकता है आपके चेहरे पे सूजन दिखाई दे, आपके हाथों में या पैरों में सूजन दिखाई दे, या पूरे बॉडी में सूजन दिखाई दे। कई बार आपको एसआईटी जैसा कोई लक्षण दिखता है, जहां आपके पेट के एरिया में पानी भर जाता है और पेट फूला हुआ सा निकला हुआ सा दिखता है। ये सूजन कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य वजह अगर हम किडनी पेशेंट की बात करें तो होता है किडनी का ठीक से काम न कर पाना। अब यह इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप सामान्य तौर पर तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब आप चलते फिरते हैं या बहुत देर तक आप बैठते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है। ये बहुत कॉमन समस्या है जिससे अधिकांश हमारे पेशेंट पीड़ित रहते हैं। तो पहला बात मैंने आपको बताया कि इसका कारण क्या है, अब मैं बात करूंगा कि इसका लक्षण क्या है। सामान्य तौर पर शरीर में सूजन और भी कई कारणों से हो सकता है, जैसे महिलाओं में थायराइड की समस्या, शरीर में खून की कमी या एनीमिया की वजह से भी शरीर में सूजन आ सकती है। कई और गंभीर रोगों में भी शरीर में सूजन आने की शिकायत हो सकती है, लेकिन जब हम किडनी पेशेंट्स की बात करें तो मुख्य वजह होता है बॉडी से पानी का प्रॉपर न निकल पाना और शरीर में पानी का इकट्ठा होना। अब ये तो मुख्य लक्षण है जो सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि शरीर में सूजन हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या बचाव और उपाय करने चाहिए जो हम घरेलू तौर पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो बचाव है वो ये है कि ऐसी स्थिति में पानी का सेवन तुरंत कम कर दें और मेजरमेंट करना शुरू करें कि आपको यूरिन कितना पास होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 लीटर यूरिन पास कर पा रहे हैं तो आपको लगभग 1100-1200 ml तक पानी पीना चाहिए। इससे अधिक पानी पीना आपके शरीर में सूजन को और बढ़ा सकता है। मैं कतई नहीं कर रहा हूं कि पानी को कम कर देना इसका उपाय है, मैं तत्कालिक उपचार की बात की कि और सूजन न बढ़े इसके लिए आपको करना चाहिए कि आपके यूरिन की मात्रा के आधारित पर आप पानी का सेवन करें। दूसरा चीज जो तत्कालिक तौर पर आप ये कर सकते हैं कि सूजन को रोकने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ दवाओं का नाम लूंगा, लेकिन इसका सेवन करने के पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से या फिर हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप बात करके तभी यूज करेंगे। मैं जनरल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि आप कुछ दवाओं का सेवन कर सकते हैं जो इस तरह सूजन में आपको हेल्प करेगा। जैसे पहला नाम है पुनर्नवासम, ये एक शास्त्रीय औषधि है जो किसी भी अच्छी कंपनी का या आरोग्यम का भी मंगा के आप यूज कर सकते हैं। पुनर्नवासम आपके शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ा के और शरीर से सूजन को कम करने में हेल्प करता है। सुथारी मंडूर एक खास तरह की औषधि है जो सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा और कई औषधियां हैं जिनका मैं चर्चा यहाँ नहीं कर पाऊंगा, अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जिसके माध्यम से सूजन को कम कर सकते हैं। मैं फिर से दोबारा बताना चाहूंगा, ये किडनी फेलियर जैसे केसेस की बात कर रहा हूँ। अगर थायराइड की वजह से सूजन है तो आपको अपने थायराइड को मेंटेन करना होगा। खून की कमी की वजह से सूजन है तो खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। किसी भी एक लक्षण का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं होता, एक लक्षण कई अलग अलग बीमारियों में अलग तरीके से हो सकते हैं।
तो बाकी लक्षणों को मैच करके और ये जानना जरूरी होता है कि इसकी एग्जिट वजह क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किडनी फेलियर या किडनी की खराबी की वजह से होने वाला सूजन और उसके बचाव का उपचार। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे कि इसका स्थायी उपचार या सही उपचार कैसे करें। दोस्तों बहुत सीधी सी बात है, जब किडनी आपकी खराब होती है तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस बॉडी में होती है, बॉडी में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बीपी का बढ़ना, शरीर में सूजन का ना, वोमिटिंग का लगना, मुंह का कड़वापन, कसैलापन, और इन सब की मुख्य वजह होती है आपकी किडनी का खराब होना या किडनी का फेल होना। तो अगर तत्कालिक उपचार की बात करें तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर इसके स्थायी उपचार की बात करें तो इसका एक ही उपचार है कि आप अपनी किडनी को मेंटेन करें, किडनी को रिजेनरेट करें। मैं थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूं। सामान्य तौर पर एलोपैथिक डॉक्टर क्या कहते हैं कि डायलिसिस की तैयारी करें, ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ढूंढना शुरू करें, फिस्टुला लगवा लें और डायलिसिस की इंतजार करें। नॉर्मली सलाह ये होती है अगर क्रिएटिनिन आपका 2.3 पॉइंट पहुंच गया है, लेकिन आयुर्वेद में और आरोग्य में हमने हजारों लाखों पेशेंट्स को क्योर किया है, डायलिसिस बंद की है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट से बचाया है और ये प्रूव किया है कि आयुर्वेद के माध्यम से किडनी को रिजेनरेट किया जा सकता है। तो किडनी को मेंटेन करना, किडनी को रिजेनरेट करना ताकि वो अपनी फंक्शनिंग खुद से कर सके, ये बेस्ट उपचार है सूजन की समस्या का। क्योंकि किडनी अगर ठीक से फंक्शनिंग करेगी, आप जितना पानी पिएंगे प्रॉपर पास होगा, बॉडी में पानी स्टोर नहीं होगा, सूजन नहीं होगी, और हो भी जाएगी तो अपने आप को रिमूव हो जाएगी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं, आपको कोई भी समस्या है जिसका आप उपचार जानना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें, हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे या उस पर वीडियो तैयार करेंगे ताकि आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग जो इस समस्या से पीड़ित हैं उनको इसका रिलीफ या आराम मिल पाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग ऐसी वीडियोज का लाभ उठा पाए। धन्यवाद।